नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा भीड़ भाड़ में गाड़ी कैसे चलाएं, शहर में गाड़ी कैसे चलाएं, सबसे ज्यादा जो जाम लगता है, जो गली वाला रास्ता रहता है उसमें गाड़ी कैसे चलाएं, कितना एक्सीलेटर लेंगे, कितने नंबर गियर पर हम गाड़ी चलाएंगे शहर में, कैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे, कितना एक्सीलेटर लेंगे, यह सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बारीकी से देखिएगा, क्योंकि मैं सारा का सारा रूल इसमें बताऊंगा और कैसे चलाना है यह भी बताऊंगा, जिससे आपका घर जो गाड़ी है वो कभी बंद नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि घबराना नहीं है। अगर आप लोग घबरा जाओगे तो समझिए कि आपसे शहर में गाड़ी चलेगा नहीं। डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को गाड़ी को चलाना है और डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डरिएगा तो समझिए आपसे शहर में गाड़ी नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं टाटा नेक्सॉन गाड़ी में, जिसे मैं आज जा रहा हूँ, शहर ही जा रहा हूँ, भाड़े में जा रहा हूँ। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं भाड़े का गाड़ी चलाता हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ शहर में। तो चलिए लेकर चलता हूँ और आप लोगों को उस गाड़ी में बताता हूँ। चलिए और देखिए, यह जो रास्ता है सिंगल रास्ता है और देखिए किस तरह से चलाना पड़ता है गाड़ी। दोनों तरफ से पहले देखना पड़ता है कि कैसे हम गाड़ी को निकालेंगे। तो देखिए इधर इधर जगह छोड़ दिया और साइड में वहां पर देख सकते हैं गाड़ी वाले हैं, दो चक्के वाले, और देखिए कितने साइड में से हमको निकालना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल तरीके से चलाना पड़ता है गाड़ी को। देखिए नीचे उतारना पड़ता है, कभी कभी होता है छोटा मोटा गड्ढा है उसमें उतारना पड़ता है। और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, तो एक जाता है इधर कांटी की तरफ और हमको जाना है मुसहरी, तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। और देखिए चारों तरफ देखना पड़ता है मुझे, और देखिए मोटरसाइकिल भी आ रहा है, मेरे पास स्टैंड नहीं है क्या बोलते हैं मोबाइल रखने के लिए, नहीं तो अच्छी तरह से बताते आपको लोगों को। बस देखिए किस तरह से टाउन में चलाया जाता है गाड़ी। सो अभी हम जो गाड़ी चला रहे हैं तीन नंबर गाड़ी चला रहे हैं, गियर जो है तीन नंबर पर है। और इसका ये टाटा नेक्सॉन का यह खास बात एक तो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, सो बता देना चाहता हूँ, इसका जो माइलेज है सबसे सुपर माइलेज है। देखिए कि इसका माइलेज कितना दे रहा है, सो एवरेज 30 का एवरेज है। जरा सोचिए भाई, ये ऑटो गाड़ी की तरह दे रहा है माइलेज, ऑटो की तरह दे रहा है माइलेज, ऑटो ऑटो जो गाड़ी है उस तरह से माइलेज दे रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर गाड़ी कोई बिक रहा है तो वह बिक रहा है टाटा नेक्सॉन गाड़ी। देखिए यहाँ पर बिलौकी हो रहा है, बोले तो शादी उदी का बिलौकी है। और देखिए यहाँ पर मुझे तो दोस्तों देखिए यह जो अभी रास्ता पूरा खाली है, तो इसमें आप चला सकते हैं गाड़ी को, कम से कम तीन नंबर से चार नंबर गियर पर आप चला सकते हैं। जैसे ही आपको पूरा फ्री रास्ता मिले आप तीन नंबर गियर लगा लीजिए या चार नंबर गियर लगा लीजिए और चला सकते हैं इस रास्ते पर, क्योंकि सिंगल रास्ता है, इससे ज़्यादा हमको गियर लगाना नहीं है। यह जो रास्ता है, यह रास्ता है बैरिया ग्लोमर की तरफ जाता है और इसी से पूरा मुजफ्फरपुर टाउन में आप जाइएगा। देखिए यहाँ कितना भीड़ लगा हुआ है, कोलवा चौक है, बोले तो बैरिया से पीछे है, एक किलोमीटर पीछे है कोलवा चौक। और देखिए यहाँ पर भीड़ कितना लगता है सो, और यही भीड़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि भीड़ में कैसे गाड़ी चलाएंगे सो। तो अभी चार नंबर गियर पर थे तो तीन नंबर गियर कर लिए हैं, क्योंकि पहले ही कर लेते हैं क्योंकि बाद में बंद ना हो जाए गाड़ी। स्लो स्लो बोले तो धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से बतलाना चाहते हैं कि गाड़ी बाजार में भीड़ भाड़ में कैसे चलाए। तो देखिए आगे से गाड़ी आ रहा है तो मुझे तो स्लो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तो दो नंबर फिर लगा लिए हैं, गियर कम कर लिए हैं। और देखिए आगे से है गाड़ी आ रहा, तो मुझे तो स्लो करना ही पड़ेगा और साइड में भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि लुकिंग ग्लास में भी देखना पड़ता है। अभी दो नंबर पर गाड़ी चला रहे हैं और क्लच को हम प्रेस किए रहेंगे, क्लच को हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही क्लच, आप भीड़ भाड़ देखकर डरिएगा मत, क्लच को दबाए रखिएगा और धीरे धीरे आप एक्सीलेटर लीजिएगा और क्लच को धीरे धीरे छोड़िएगा, ताकि आपसे गाड़ी बंद ना हो सके। और सीटी बजाकर ही निकालिएगा, तीन नंबर गियर लगा लिए क्योंकि अब कुछ फ्री रास्ता है। और आगे से आ रहे हैं तो हम यहाँ से पासिंग देखिए पासिंग अभी दिए हैं, तो जो साइड था आगे से जो गाड़ी आया था उन्होंने मुझे साइड दिया है, पासिंग का यूज इसलिए किया जाता है। और सबसे ज्यादा भीड़ लगता है यहाँ पर, यह आ गया बैरिया मुजफ्फरपुर, बैरिया ग्लोमर, देख सकते हैं कि जयप्रकाश नगर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए वही है मेन भीड़ जो होता है, भीड़ भाड़
वह यहाँ पर लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बगल में ही बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड है, तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा लगता है, बहुत सारा गाड़ी भी आता रहता है, ग्लम्बर भी है यहाँ पर, आगे है थोड़ी दूर और आगे है, देखिए कितना भीड़ है। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलाएंगे गाड़ी को, और ज्यादा अगर स्लो हो गया गाड़ी, अगर रुक गया है तो कम से कम दो नंबर लगा लेंगे, दो नंबर गियर में चलाएंगे गाड़ी को। और कभी भी भीड़ भाड़ देखकर डरिएगा मत। देखिए ये आगे से ही आ रहा है, पार पार इस तरह से चलाते हैं गाड़ी, बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग करना पड़ता है बोले तो भीड़ भाड़ में। देखिए आगे से गाड़ी आ रहा है, स्लो करना पड़ता है, क्लच को प्रेस करके हम ब्रेक लगाएंगे। आगे से जो गाड़ी आया वो भी टाटा का गाड़ी है, और कौन सा गाड़ी मैं आप लोगों को बताऊं, वो जो गाड़ी है पंच गाड़ी है, सॉरी नेक्सॉन ही गाड़ी है, यही गाड़ी है जो मैं अभी चला रहा हूं। कुछ कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मैं बार बार थोड़ी ना चलाता हूं। तो देखिए भीड़ भाड़ में किस तरह से जैसे क्लच को हम प्रेस करिए हुए हैं, और धीरे धीरे हम क्लच को ही छोड़ रहे हैं, सेटर नहीं ले रहे हैं, क्लच को ही छोड़ रहे हैं, तो यह गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। भीड़ भाड़ में आप क्या, भीड़ भाड़ में आप क्लच को प्रेस कीजिएगा, एक्सेलेरेटर मत लीजिएगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाइएगा और गाड़ी आपका आगे तरफ बढ़ते हुए जाएगा। और यही है बैरिया गोलम्बर, बैरिया बस स्टैंड जो है आगे है बोले तो लेफ्ट साइड में है, और मुझे जाना है सीधा, और यहाँ बस स्टैंड है उधर पर, और यहाँ यह देख सकते हैं गोलम्बर है, बैरिया गोलम्बर, देखिए यहाँ पर बैरिया गोलम्बर है, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर मुझे चारों तरफ देखेंगे, उसके बाद गियर को पहले लगा लेते हैं एक नंबर पर, क्योंकि गाड़ी बंद ना हो सके, और गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ से निकालेंगे। और यह एक गोलम्बर देख सकते हैं, यह गोलम्बर है, और मुझे जाना है सीधा, क्योंकि मुसहरी जो ब्लॉक पड़ता है वह सीधे वाले रास्ते में पड़ता है, जेल चौक जो मुजफ्फरपुर का जो जेल चौक है वहां पर पड़ता है, पुलिसकर्मी खड़े हैं अपने काम के लिए। और यहाँ इधर पेट्रोल पंप है, और देखिए भीड़ भाड़ जो यहाँ पर हम दो नंबर किए हुए हैं गियर, तो भीड़ भाड़ में इसी तरह से चलाइएगा गाड़ी, और खास करके क्लच एक्सेलेरेटर ब्रेक ये तीनों पर अच्छे से कंट्रोल कीजिएगा। और इधर जो है गर्दा बहुत ज्यादा उड़ता है, यह जो जाता है रास्ता या चांदनी चौक सॉरी लक्ष्मी चौक की तरफ जाता है यह रास्ता, और आगे में ट्रैफिक सिग्नल भी लग चुका है, पहले मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, लेकिन अब ट्रैफिक सिग्नल लग गया है, लेकिन भीड़ भाड़ अब बहुत कम लगता है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आप लोगों को। और इधर का जो रास्ता है बहुत ही खराब रास्ता बोले तो, पूरा डेंजर, कब से अढ़ाई तीन साल से यह रास्ता इसी तरह से है। और इधर नाला का देखिए टाटा हैरियर, और इधर नाला का व्यवस्था किया जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और रास्ता तो मत पूछे किस तरह से रास्ता है, इसे आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे भी रहा होगा, किस तरह से कैमरा हिला है सो भी पता चल रहा होगा। लगभग यह दो साल से ऊपर जा चुका है, लेकिन रास्ता अभी तक बना नहीं है। और आगे में जो है वहां पर तो क्या बोलते हैं, नाला का ऐसा रास्ता बना दिया गया, बना हुआ है कि नाले पर नाला का जो पानी है वो बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए कितना, और इस तरह से अगर आप लोगों को रास्ता मिले खराब तो कम से कम क्लच को प्रेस कीजिएगा और गाड़ी को जाने दीजिएगा, आराम से जाते रहेगा, और ब्रेक को धीरे धीरे कभी कभी ब्रेक को भी लगाइएगा, मारिएगा ब्रेक को भी दाबिएगा। जो देखिए यह जो नाला है, नाला बना है और पूरा का पूरा पूरा कचरा लगा हुआ है, पूरा पानी लगा हुआ है। और देखिए वो मुझे पासिंग मारेगा, लेकिन नहीं मारा पासिंग, पासिंग मारता तो मैं स्लो और भी करता स्लो, लेकिन नहीं किया हूं। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं,
देखिए एक एक ठो और यहाँ पर व्यवस्था अच्छा से कर दिया गया है, क्योंकि जो जाम लगता था, पहले भीड़ लगता था, उसके लिए देखिए रेलिंग बना दिया गया है। यह जो सुविधा किया गया बहुत ही अच्छा सुविधा किया गया, पहले यह नहीं था, लेकिन यह जब से ट्रैफिक सिग्नल लगा है तब से यहाँ पर लगा दिया, बना दिया गया है। और इधर बना है, देख सकते हैं कि अभी ताजा ताजा बन रहा है और वहां तक बना हुआ है, और आगे जो ट्रैफिक सिग्नल का लाइट है वहां पर है। अभी जाम में लग गया हूँ, गाड़ी को गियर को कम कर लिए हैं, दो नंबर पर कर लिए हैं, पूरा गाड़ी रुक जाएगा तो समझिए कि आपको लगाना पड़ेगा एक नंबर गियर लगा लिए हैं। और धीरे धीरे यहाँ से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर मछली बाजार है, देख सकते हैं यह लक्ष्मी चौक का मछली बाजार जो है बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग यहीं से मछली खरीद कर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ताजा ताजा मछली मिलता है, बोले तो पकड़ कर लाते हैं नदी से और यहाँ पर बेचते हैं, बहुत ही महंगी भी मिलता है मछली यहाँ पर। तो देखिए ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, वहाँ पर लाल बत्ती आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो सारा गाड़ी जो है यहाँ पर रुका हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है जिस कारण यहाँ पर सारा गाड़ी रुका हुआ है। थोड़ा और गाड़ी को आगे कर लिए हैं, अभी ट्रैफिक सिग्नल खुलेगा उसके बाद जाएंगे। अभी सारी गाड़ी जो है बोले तो ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल खुल गया, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो है ट्रैफिक सिग्नल खुल चुका है, फिर ऐसा ना हो कि हम लोग फिर से फंस जाएंगे। अभी कोई भी गाड़ी नहीं बढ़ा रहा है, अरे बढ़ाएगा जल्दी तो निकलेंगे, क्योंकि जो सेकेंड है लगभग एक मिनट का ही मिलता है, एक मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है, जाते जाते कहीं हम लोग इसमें फंस ना गए। तो देखिए रास्ता कितना चौड़ा है और गाड़ी को किस तरह से निकालना पड़ेगा सो, और देख सकते हैं जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल लगा था, और रास्ता जो देख सकते हैं बहुत ही कम है, जितना गाड़ी की साइज है उतना ही रास्ता है। और इस तरह के जाम में अगर आप लोग फंस जाइएगा तो ध्यानपूर्वक निकालिएगा, थोड़ा आप लोगों को उठना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को देखना पड़ेगा रास्ता। और इसमें कम से कम आप एक नंबर लगा लीजिएगा गियर, उसके बाद ही निकालिएगा धीरे धीरे रास्ता को देखते हुए, और कम टच ना हो गाड़ी किसी में गाड़ी में, बोले तो ड्राइविंग जो होता है बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग करना पड़ता है, बहुत ही डेंजरस होता है। देखिए तो जाम में इस तरह से गाड़ी चलेगा, कम से कम एक नंबर गियर लगा लीजिएगा उसके बाद निकालिएगा। तो देखिए निकल गए हैं जाम में से, हम तो दो नंबर लगाए हुए थे, तीन नंबर का लिए हैं, देखिए। और यहाँ पर पंडाल बना हुआ है, सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह के भीड़ में गाड़ी को कैसे निकाले, सारे लोग जो है घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, अरे भाई क्यों डर रहे हो, डरो मत। देखिए कैसे निकालना पड़ता है गाड़ी को, देखिए कहीं सट नहीं जाए, दोनों तरफ देखना पड़ेगा कहीं गाड़ी में स्क्रेच ना हो जाए, डरना मत है, बिल्कुल डरना नहीं है, गाड़ी को ध्यान पूर्वक अच्छे से निकालना है, सीखना है, और गियर को कम से कम एक नंबर लगा लीजिएगा ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, गाड़ी बंद हो ना। और आपको तो इसमें आपको क्या लेना है, एक्सेलेटर तो आप लोग लेना ही नहीं है, क्लच पर कंट्रोल करना है, क्लच से ही आपको सारा चीज करना है, क्लच और ब्रेक ये दोनों पर कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद गाड़ी को ड्राइव कीजिए। यहां से लेंगे लेफ्ट और एक नंबर ही गियर है, उधर जो है वन वे, उधर गाड़ी नहीं जा सकता है। और डरिएगा बिल्कुल नहीं, भीड़ भाड़ से देखकर कभी डरना नहीं है, एक नंबर गियर लगा लेना है और धीरे धीरे आराम से गाड़ी को ड्राइव करना है, और जैसे ही भीड़ खत्म हो आप धीरे धीरे एक्सेलेरेटर लीजिए और आगे गाड़ी अपना निकालते जाइए, जिस तरह से मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ, और गियर को भी चेंज कर लीजिए। बहुत कठिन है भाई गाड़ी चलाना, देख रहे हैं यहाँ से मुझे गली वाला रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि जाना है मुझे मुसहरी ब्लॉक। तो दोस्तों यह जो है मेन भीड़ वाला रास्ता यही है, देखिए वह गाड़ी आ रहा है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे सो जरा देखिए, बहुत ही गलत जगह पर फंस गए हैं। जब समझ में नहीं आया तो गाड़ी को रोक दीजिए, उसके बाद जो गाड़ी होगा वह निकाले, उसके बाद आप निकाल सकते हैं, डरिएगा बिल्कुल नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं है,
एक नंबर गियर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर गियर लगा लेना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे गाड़ी को निकालना है। और यह जो रास्ता है बहुत ही सिंगल रास्ता है, पिज्जा वाला डिलीवरी करने जा रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर देखिए और ज्यादा दिक्कत होगा निकालने में, तो भाई साहब जो है साइड दे रहे हैं। वन वे वाला रास्ता है, देखिए मैं निकाल लेता हूँ आगे। और साइड दे रहे हैं तो मुझे साइड में इधर चापना पड़ेगा। घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग जो है डर भी जाते हैं, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही डरिएगा समझिए कि गाड़ी आपसे बंद हो जाएगा, और डर को दूर निकालना है। सबसे ज्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से गाड़ी निकालेंगे। सो इधर सब गाड़ी फंसा हुआ है, इधर से गाड़ी भी फंसा हुआ है, तो मेरा जो रास्ता है गाड़ी का जितना साइज है उतना तो है। पहले गियर को एक नंबर लगा लेते हैं, बार बार हम बोलते हैं, और गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए, बहुत ही ध्यान पूर्वक निकालना पड़ता है। इधर नाला भी है, डर लग रहा है कि गाड़ी कहीं नाले में ना चला जाए। चलिए निकाल लेते, उसके बाद आपको बनाते। तो दोस्तों कल रात जो है बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, रात हो गया था, जिसके कारण मैंने उसके आगे वीडियो शूट नहीं किया। और अभी वो गाड़ी जो मैंने वहां पर लगा दिया है, जिनका गाड़ी था वहां पर मैंने लगा दिया है, और यह दूसरे का गाड़ी है, इसमें गाड़ी में फिर आ गया हूँ, क्योंकि ये फिर से लेके जाना है भाड़ा में। और यह जो गाड़ी है यह बार बार बताता हूँ कि यह ढलाबोटी गाड़ी है, तो इसे अब जाऊंगा फिर भाड़ा में। तो जो गाड़ी था वो तो वहां पर हम लगा दिए हैं, और इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बहुत ही बारीकी से बताया है कि भीड़ भाड़ में गाड़ी किस तरह से चलाना है। सो तो भीड़ भाड़ में कंट्रोल आपको करना है क्लच को और गियर को, एक से दो नंबर गियर पर ही आप लोगों को गाड़ी टाउन में शहर में बाजार में चलाना है। इससे ऊपर आप नहीं लगा पाइएगा गियर, और बहुत ही धीरे धीरे चलाइएगा गाड़ी को टाउन में, और क्लच को पूरा कभी छोड़ना नहीं है, क्लच को प्रेस हाफ प्रेस करिए रहना है, और धीरे धीरे क्लच को ही छोड़ना है, और एक्सेलरेटर कभी कभी लेना है, नहीं तो अन्यथा ऐसे ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।